नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कुछ पैरों के खास स्टेप्स। जिन महिलाओं को बिल्कुल भी पैरों के स्टेप्स नहीं आता, जो वो शादी ब्याह में किसी पे फंक्शन पे भी जाती है तो वहां पे डांस के स्टेप भूल जाती है, फिर आप शर्मिंदा होकर घर आ जाती है क्योंकि आपको पैरों के स्टेप अच्छे से नहीं आता। अगर आपको अच्छे से सीखना है, इस स्टेप को आपने अच्छे से फॉलो करना है। वो कैसे? इस वीडियो को आपने शुरू से एंड तक देखना है। शुरुआती डांस आप यहीं से स्टार्ट करें, पैरों को कैसे चलाना है, कैसे उठाना है, ठीक है गाइस? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो अभी नए नए वीडियोस देख रहे हैं, ताकि आप लोगों को सीखने को मिले, ठीक है गाइस? मैं आपको पंजाबी वाले स्टेप भी सिखाऊंगी और जो भी हिंदी गाने आते हैं उनके भी स्टेप सिखाऊंगी, ठीक है गाइस? चलिए फिर शुरू करते हैं। आइए अब देखिए गाइस, हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, ध्यान से सुन लीजिए, जो बिल्कुल भी नहीं सीख रहे वो भी सीखे जाएंगे। फटाफट आप भी खड़े हो जाइए और सीधा हमने पैरों को चलाना सिखाना आज, ठीक है? कोई हमने ठुमका नहीं लगाना, ठीक है? बस हल्का सा आपको स्टेप सिखाया जाएगा। जिन महिलाओं को, बच्चों को बिल्कुल भी डांस नहीं आता, तो फटाफट इस स्टेप को फॉलो कीजिए। आपको ये स्टेप सिखाऊंगी, इसको अच्छे से फॉलो कीजिए, ठीक है गाइस? अब चलिए, हमने ये देखना है हमारा कौन सा पैर अच्छे से चलता है, लेफ्ट या राइट। आप कोई भी चला सकते हो, ठीक है? देखो मैं लेफ्ट वाला पैर आगे कर ली, आप भी वैसे कर लीजिए। देखो लेफ्ट वाला पैर यहाँ पे रखा, सीधा खड़े हुए हम यहाँ पे रखा, उसको उठा के पीछे रख लिए। बस पैरों को चलाना सीखे पहले, 1 2 3 4 ऐसे हम राइट वाला आगे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? आपने इस स्टेप को 10 बार काउंट करना है, ठीक है? अगर मैं ज्यादा लंबा थोड़ा आपके साथ स्टेप करूंगी तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम चाहते हैं आप थोड़ा जल्दी जल्दी सीखिए, ठीक है? हम चाहते हैं आप अच्छे से थोड़ा फॉलो कर लीजिए। मैं जो स्टेप सिखा रही हूँ उसको ध्यान से देखिए। अब देखिए जो पैर मैं आगे कर रही हूँ, अब देखिए जो हमारा स्टेप है, अब दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8, यही आसान तरीका है, सबसे ही आसान यही स्टेप होता है। स्टार्टिंग में अब यहीं से शुरू करो। इसी तरह हम लेफ्ट पैर भी आगे करूंगी, 1 2 3 4 5 6। जब भी आप स्टेप बनाए एक तरफ जरूर ध्यान देना, बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए, अपनी बॉडी अपनी टाइट नहीं रखनी, ठीक है? आपने अपनी बॉडी पे थोड़ा प्रेशर नहीं देना, बिल्कुल अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए, ठीक है? बस इंजॉय के साथ स्टेप बनाए। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर, ठीक है? अब मैं दूसरा स्टेप बताऊंगी। दूसरे स्टेप में क्या करूंगी, साइड वे में जाऊंगी, देखो 1, ठीक है गई, फिर इधर जाऊंगी 2, हमने इतना ही करना है, बस पैर को उठाना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? इतना होगा क्लियर आपका? ये था हमारा दूसरा स्टेप। अब देखिए इसमें तीसरा स्टेप पैर का क्या होगा। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जब हम कोई फिल्मी गाने लगाते हैं, बॉलीवुड सॉन्ग होते हैं, जो भी आपके मनपसंद हिंदी सॉन्ग चलते हैं, आजकल चल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, कोई भी पैर उठा के डांस का स्टेप बना लेते हैं, यही होता है ना? तो आपने क्या करना है, पैरों को सीधा रख के और इसे पीछे से एड़ी उठानी है, ठीक है? इसको 1 2 10 करना, ऐसे धीरे धीरे आपने ऐसे पैर को उठाना। जैसे हम उठाते हैं हमारे दोनों नीज क्या होते हैं, फोल्ड होते हैं, देखो 1 2 3 4। आपको मैं पीछे से बताती हूँ, पहले देख लीजिए, देखो हम ऐसे सीधे खड़े हैं, पैर को उठाना है ऐसे एक एक करके उठाना है, ठीक है? आप काउंटिंग के साथ कीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपको मैं ट्रिक इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखो गाइस, अगर आपको ये ट्रिक अच्छे से आ गया ना तो आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहली बात, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप डांस को कोई भी स्टेप करेंगे ना तो फटाफट ये फास्ट मोशन में भी स्टेप कर सकते हैं, ठीक है? अब ये था हमारा तीसरा स्टेप, ठीक है? तीसरा स्टेप हो गया आपको अच्छे से क्लियर, पहला भी हो गया सबसे आसान है, दूसरा भी बड़ा, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया। अब सीखते हैं हम चौथा स्टेप। चौथे स्टेप पे हम पैर को क्या करेंगे, पैर को हम आगे करेंगे, ठीक है? जब हम पैर आगे करते हैं तो हमारी पीछे वाली एड़ी उठ जाती है, थोड़ा आगे की अगर बॉडी कर लेते हैं, ठीक है? मैं पीछे से बताती हूँ, देखो लेफ्ट वाला पैर मैं आगे कर रही हूं, जैसे ही आगे करा
ठीक है। देखो जैसे ही मैंने आगे करा हमारी बॉडी आ गई और पीछे से पैर मेरा उठ गया, ठीक है, हुआ ना स्टेप भी। अब ये पैर पीछे कर लिया, फिर देखो 1 2 3 4, आपने भी ऐसे करना। जब पैर हम आगे करते हमारी बॉडी आगे जाती, देखो ऐसे करा हमारी बॉडी आगे गई, ठीक है, तो पीछे वाला पैर मेरा है वो उठ गया, एड़ी उठ गई उसकी। इतना हो गया क्लियर, बस ये स्टेप की प्रैक्टिस करनी है अपनी। देखो 1 2 3 4, ठीक है। अब ये भी स्टेप क्लियर होगा आपको अच्छे से। ये था हमारा चौथा स्टेप। इसमें आप पांचवा स्टेप सीखिए। पांचवें स्टेप में क्या करेंगे, जब पैर हम आगे करते हैं तो पीछे की एड़ी उठती है, तो हम क्या करेंगे सामने से पैर उठा लेंगे, ऐसे करके यहां रख लेंगे। देखो 1 2 1 2, ठीक है। पहले हमने क्या करा, पैर आगे करा, उसको उठा के अपनी जगह पे रख लिया। ध्यान से देखो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। पैर आगे करा और पीछे से पैर, पीछे से एड़ी मेरी उठ गई है और आगे वाला पैर उठा के यहां रख लिया। आगे करा और आगे वाला पैर उठा के पीछे रख लिया। देखो बहुत जरा मैं डीपली तरीके से आपको बता रही हूं, इसको आप इसी तरीके से सीख लीजिए। देखो अगर आपने ये स्टेप भी, अगर देखो ध्यान से देखो, अगर आप ये भी स्टेप नहीं सीख पाए ना तो आप डांस कभी नहीं सीख पाएंगे। पहले अपने मन में इंटरेस्ट बनाएंगे, आपको शौक है डांस करने का, मन ही मन सोचती रहती है, तो आप पहले सोचना बंद कर दीजिए, पहले आप सोचना बंद कर दीजिए, आप खड़े हो जाइए। खड़े होकर जैसे जैसे मैं कर रही हूं वैसे वैसे आप भी पैर आगे कीजिए। मैं आपको बार बार बता रही हूँ लेफ्ट वाला पैर राइट वाला पैर, ऐसे डीपली तरीके से आपको कोई नहीं बाहर बताएगा, ठीक है। जितना मैं बता रही हूँ ना, आप अकेडमी में ज्वाइन कर जाओ, सीधा आपको डांस खाने लग जाएंगे, तो ऐसे नहीं आएगा आपको। तो आप डांस सीखते जाएंगे सीखते जाएंगे, 1 2 महीने 4 महीने 5 महीने, फिर आप सीख बाहर अकेडमी में आप डांस सीखते हो, वहां फीस भरते हो, फिर 2 4 महीने सीखते हो, फिर सोचते हो मैं डांस आ गया, फिर आप प्रैक्टिस करना छोड़ देते हो, फिर शादी में मैं कहीं फंक्शन में जाते हो वहां स्टेप भूल जाते हो, ऐसे होता है ना आपके साथ। तो आपने ऐसा नहीं करना, घर पे रह के जो मैं आपको स्टेप बता रही हूँ तो यही स्टेप बार बार प्रैक्टिस करें। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो मेरे चैनल को अभी देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, ठीक है। ये आप लोगों के फायदे के लिए, आपके बच्चे सीखेंगे बड़े भी सीखेंगे। देखो बड़े सीखेंगे तभी बच्चे सीखेंगे। देखो ऐसी वीडियो आप देखते रहेंगे मोबाइल देखते रहेंगे देखते रहेंगे तो आपको नहीं डांस आएगा। मैं तो बार बार यही कहती हूँ आप साथ में खड़े हो जाइए। अगर आपको लगता है कि मैं डांस नहीं कर पाऊंगी, मुझे टेंशन होती है यार, मेरे को शर्म आती है, ठीक है, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बनता, जब भी मैं डांस करती हूँ मेरा हादसा निकल जाता, मेरी हंसी आ जाती है, ये सोचते ना, तो आपने बिल्कुल नहीं ऐसा करना। आप ऐसा करो, खुद अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर लीजिए, खुद ही वीडियो बनाइए, फिर उसको 1 मिनट के बनाकर छोड़ दीजिए, फिर देखो कि मैंने कैसे स्टेप करा। जब भी हम मंदिर गुरुद्वारे में जाते हैं वहां पर ढोलकी बजती है, तो भगवान के दर्शन के लिए जब ढोलकी कहीं बजती है तो आप वहां नाचने लग जाते हो, तो वो भी आपको स्टेप्स आने बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपने वो भी स्टेप सीख लिए बस आपको ऑटोमेटिकली डांस आता जाएगा, ठीक है गाइस। थैंक यू जी, बाय बाय। आज के लिए मेरा इतना ट्यूटोरियल था, अगली वीडियो में आपके लिए और स्टेप्स लेकर आऊंगी। गुड बाय।